सुधांशु बाबू एक रिटायर्ड प्राइवेट कर्मी हैं। परिवार में पत्नी सहित कुल जमा 7 बड़े और 3 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा संजय, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, बेटा विजय एवं उसकी पत्नी और 1 बच्चा। इसके दूसरे अलावा उनकी एक बेटी है जो थोड़ी मानसिक अविकसित है मगर सामान्य रूप से अपने काम कर सकती है, और एक तीसरा बेटा है अजय जो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश कर रहा है। सुधांशु बाबू की रिटायरमेंट के बाद कोई आय नहीं थी, ले देकर ये उनका मकान जिसमें सब रहते थे वही अपनी कमाई से बनाया था, और शेष बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में खर्च हो चुका था। पेंशन भी नहीं थी, बस बेटे जो परिवार खर्च हेतु दे देते उसी से उनकी पत्नी मासिक खर्च चलाती थी। उस पर भी बहुएं ताना मारने से भी पीछे नहीं रहती थी, बेचारे मन महसूस कर रह जाते थे मगर वे असहाय थे। संजय और विजय एक ही फैक्ट्री में अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं तथा कंपनी के बिलों का परीक्षण और भुगतान इत्यादि महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसी प्रकार उनकी ज़िंदगी कट रही थी, अचानक उनके परिवार में बड़ी बहू के भाई शंभू दयाल का आगमन हुआ। वो एक नंबर का धूर्त और बदमाश व्यक्ति था जो हरदम तिकड़म भिड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता था। उसने आकर इस परिवार में धीरे धीरे दखलंदाजी बढ़ाना शुरू किया और बहन के कान भरने लगा कि ये बूढ़े बुढ़िया तुम लोगों की मेहनत की कमाई पर बैठे बैठे आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अरे घर के नौकर को हटाकर बुढ़े को बाहर के काम दे दो और काम वाले को हटाकर बुढ़िया को काम करने को बोलो, 4 पैसे बचेंगे तो तुम्हारे बच्चों के ही काम आएंगे। ये सलाह बड़ी बहू को जम गई, उसने त्रिया चरित्र दिखाकर अपने पति को भी मना लिया, फिर अपनी देवरानी को भी पट्टी पढ़ाकर अपने पक्ष में कर लिया। बस अगले दिन से नौकर और काम वाली की छुट्टी कर दी गई, और सुबह जब सुधांशु बाबू उठकर आंगन में बैठकर चाय का इंतज़ार कर रहे थे तभी बड़ी बहू ने आकर उनके हाथ में थैला और कुछ रुपए देकर कहा, बाबूजी पहले बाज़ार से सब्जियां ले आइए, अभी ताज़ी और सस्ती मिल जाएंगी, फिर आकर चाय पी लीजिएगा। सुधांशु बाबू ने आश्चर्य से उसका मुँह देखा तो वो तुनक कर बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं, आज से रघु काम पर नहीं आएगा, उसकी छुट्टी हो गई है, आखिर आप दिन भर बैठकर करते क्या हो, सुबह सुबह बाहर निकलेंगे तो आपका भी मन बदल जाएगा और घर के भी 4 पैसे बचेंगे। उन्होंने सोचा सुबह सुबह कौन बात बढ़ाए, वे चुपचाप थैला उठाकर बाजार चले गए। थोड़ी देर में उनकी पत्नी सुषमा देवी चाय लेकर आईं और आंगन में उन्हें ना देखकर इधर उधर तलाशने लगें। तभी बड़ी बहू आकर बोली, माँ जी आप बाबूजी को ढूंढ रही हैं, वह तो बाजार चले गए सब्जी लेने, मैंने मना भी किया मगर माने ही नहीं। बोले, बहू सुबह ताज़ा सब्जियां भी मिल जाएंगी और मेरा टहलना भी हो जाएगा। सुनकर सुषमा जी को घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने वर्षों के वैवाहिक जीवन में सुधांशु बाबू यदि किसी बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ते थे तो वह सुबह की सैर ही थी। उन्होंने शुरू शुरू में कई बार उनसे कहा था कि देखो जी सभी लोग सुबह सैर को जाते हैं ताकि सेहत अच्छी रहे। सुधांशु बाबू चिढ़कर कहते, हाँ और इसीलिए सालों में सुबह घूमने वाले आज तक उतने ही मोटे दिखते हैं जैसे बरसों पहले थे, और फिर खिल्ली उड़ाने वाले भाव से हंस देते थे। इसीलिए उनके मन में शंका हुई कि जरूर बड़ी बहू ने कुछ कह दिया होगा, इसीलिए वे इतनी सुबह घर से निकल गए हैं। उनकी तंद्रा टूटी, बहू की आवाज़ से वो बोली, लाइए माँ जी, बाबू जी तो अभी है नहीं, ये चाय मैं अपने भैया को दे आती हूँ, बेचारा सुबह से चाय की आस में बैठा है। सुषमा जी ने यंत्रवत चाय की प्याली उसकी ओर बढ़ा दिया, वो लेकर चली गई। इधर सुषमा जी मन में बहुत सारी शंका कुशंका लिए रसोई में चली आईं। सुधांशु जी करीब 9:30 बजे हाँफते हुए लौटे, दरअसल वे दमा के रोगी थे और ज़्यादा चलने से उनकी सांस फूल जाती थी। फिर बाजार भी लगभग 3 किलोमीटर दूर था और बहू ने जो पैसे दिए थे उनसे सिर्फ सब्जी ही खरीदी जा सकती थी।
रिक्शा का किराया नहीं निकल सकता था। जाहिर है उसने जानबूझकर गिनकर पैसे दिए थे। वह किसी तरह आंगन तक आए और चबूतरे पर निढाल होकर बैठ गए। उन्होंने हाँपती आवाज में सुषमा जी को पानी लाने को बोला तो वे झट दौड़ कर आईं और पानी का गिलास उनके हाथ में दिया। किसी तरह पानी पीकर वे सांसें संयत करने लगे। पत्नी दौड़कर उनके लिए चाय बनाने चली गई। तभी बड़ी बहू ने आकर उनके पास रखे थैले में से सब्जियां निकालकर चेक की और बोली, बाबूजी कितने पैसे बचे? तो सुधांशु बाबू बोले, बेटी पैसे तो पूरे खर्च हो गए। वो बिफर कर बोली, ऐसे कैसे खर्च हो गए? मैंने हिसाब लगाया, आपको 50 रुपये दिए थे और सब्जी तो 48 रुपये की आई है, फिर 2 रुपये कहाँ गए? लगता है आपने बाहर चाय पी ली है। अरे ऐसे फिजूल खर्ची करेंगे तो हो गया, हम पाई पाई बचाने में लगे हैं और आप खुद पर पैसे लुटा रहे हैं। सुधांशु बाबू आहत स्वर में बोले, बेटी मेरी बात तो सुन लो। तो वो नाराज होकर बोली, क्या कहेंगे आप, यही ना कि सुबह चाय नहीं पीती इसलिए तलब लगी तो चाय पी ली। सुधांशु बाबू रुआसे स्वर में बोले, बेटी बाकी बचे 2 रुपयों से बच्चों के लिए टॉफ़ी लाया हूँ, बेचारे कई दिनों से मुझसे टॉफ़ी मांग रहे थे मगर मेरे पास तो पैसे तो होते नहीं इसलिए ला नहीं पाया था। सुनकर बड़ी बहू के तेवर ढीले हुए और वो अपने कमरे में चली गई। इस बीच सुषमा देवी भी आ गई थी और बड़ी बहू की बातें सुनकर चुपचाप आंसू बहा रही थी। अजय अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश सुबह से निकल जाता था और देर शाम लौट कर आता था। बेचारे को कहीं से भी सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता था। कभी ओवर क्वालिफाइड कहकर लौटा दिया जाता, कभी अनुभव की कमी आड़े आ जाती और कहीं उसी के किसी अधिकारी के रिश्तेदार को नौकरी मिल चुकी होती थी। इधर छोटी बहू ने दोपहर में अपने रंग दिखाए। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी खाना बन जाए तो सबको परोस दीजिएगा और हाँ बर्तन भी दोपहर में ही धो लीजिएगा, काम वाली तो आज से आएगी नहीं, फिर देर करके क्या फ़ायदा। और हाँ रात के खाने में दाल और आलू भाटे की सब्जी बना लीजिएगा, रोटी तो खाते वक्त सेक लीजिएगा ताकि सबको गर्म रोटियाँ मिल सके। ये सुनकर सुधांशु बाबू का हृदय हाहाकार उठा। बेचारे दिल का गुब्बार रो कर भी नहीं निकाल सकते थे। उधर सुषमा जी सोच रही थी कि इतने सारे काम वह अकेले कैसे करेंगी। यही सब सोचते हुए वे चुपचाप रसोई में आ गई। उनकी बेटी उनके पीछे पीछे रसोई में आकर उनसे बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए, भगवान जी से प्रार्थना करने के लिए। और वो आँखें मूंद कर बैठ गई। सुषमा जी उसके भोलेपन पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। धीरे धीरे सुधांशु जी और उनकी पत्नी को अपनी बहुओं की लताड़ और बेटों की बेरुखी की आदत सी पड़ गई। उन दोनों ने इसे ही नियति मानकर स्थिति से समझौता कर लिया। इधर शंभू दयाल का शैतानी दिमाग अपनी हरकतों में व्यस्त रहता। उसने धीरे धीरे गाँव वालों के बीच पैठ बनाना शुरू किया और अक्सर चौपाल में आकर वो सुधांशु जी और उर्मिला जी की बुराई करता रहता। वो सबको बताया करता कि दोनों बुढ़े बुढ़िया मिलकर बहुओं की नाक में दम किए रहते हैं, बेचारी दिन भर उनकी फरमाइश पूरी करने में ही जुटी रहती है, उन्हें एक पल फुर्सत नहीं मिलती। सुनकर उसके जैसे ही निखट्टू जो सारे दिन चौपाल में बैठे रहते उसकी बातों में ही मिलाते रहते। वहाँ आते जाते शंभू को पता चला कि गांव में एक लालची व्यक्ति रघुनाथ रहता है जिसका एक शराबी कबाड़ी गुंडा सा बेटा है। शंभू के शैतानी दिमाग में एक स्कीम आई। उसने रघुनाथ से मिलकर उससे एक सौदा किया। उसने बताया कि उसकी बहन की एक ननद है जो वैसे तो सर्वगुण संपन्न है, बस थोड़ा मंद बुद्धि है, मगर वो एक बार उनके घर आ गई तो फिर चाहे जितने जुल्म करो वो उनके घर पर चुपचाप रह लेगी और उसके साथ यदि उनके बेटे की शादी हो गई तो अच्छा खासा नगद पैसा भी मिल सकता है। नगद की बात सुनकर लालची रघुनाथ प्रसन्न हो गया। उसने कहा, शंभू भैया कितना नगद मिल जाएगा? शंभू कुटिलता से बोला, आप कितना चाहते हैं? रघुनाथ ने थोड़ी देर सोचा फिर बोला, भाई 20,000 रुपये मिल जाए तो मुझे ये शादी मंजूर है। शंभू ने दरिया दिली दिखाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें 25 तक दिला दूंगा।
ऊपर के 5 मुझे दे देना। रघुनाथ खुशी से उछलकर बोला, अरे शंभू भैया तुम कितने अच्छे हो। शंभू उसे ये कहकर वहाँ से चला कि जब मैं बोलूँ तो आप खुद से उनके यहाँ रिश्ता मांगने आ जाना। रघुनाथ बोला, जैसा तुम कहो मैं तो वैसा ही करूँगा, बस नगद का ख्याल रखना। शंभू घर आया, उसके शैतानी दिमाग ने रास्ते में ही योजना बना ली थी कि कैसे जाल फेंकना है। दोपहर में जब उसकी बहन उसे खाना परोस रही थी तब उसने बड़ी गंभीर मुद्रा बना रखी थी। ये देखकर उसकी बहन ने पूछा, किस सोच में डूबे हो भैया? उसने बड़ी संजीदगी से कहा, बहना मैं तो इन निखटुओं से तेरा छुटकारा कराने के बारे में ही हर दम सोचता रहता हूँ, बस तेरी भलाई करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। सुनकर बहन रुआंसी होकर बोली, पता नहीं कब इनसे छुटकारा पाऊंगी। लोहा गरम देखकर उसने तुरंत चोट की, बोला, अगर तेरी ननद रानी की शादी करवा दूं तो कम से कम एक सदस्य तो कम होगा घर में। बहन ने मायूसी से कहा, उस पगली को कौन ब्याहेगा? शंभू बोला, चिंता मत कर तू, देखते जा, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि लड़के वाले खुद उसका हाथ मांगने इस घर में आएंगे। ये सुनकर वो उछल पड़ी, बोली, भैया अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। शंभू कुटिलता से बोला, तू धीरज रख, हाँ दामाद जी को तो तू जरूर समझा देना, ज़्यादा मुंह ना चलाएं। बहन बोली, उनकी तरफ से निश्चिंत रहो, वो मेरे आगे कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगले रविवार को शाम को सभी लोग घर पर थे। उर्मिला जी सबके लिए चाय बना रही थी, तभी शंभू बाहर से आया और आते ही आवाज़ लगाई, कहाँ हो भाई, सब लोग बाहर आंगन में आ जाओ, ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि सब लोग खुशी से उछल पड़ेंगे। ये सुनकर दोनों भाई बाहर आए, पीछे पीछे उनकी पत्नियाँ भी आ गई। शंभू ने सुधांशु जी को भी बुलाया, बोला, बाबूजी आपका भी रहना जरूरी है। ये सुनकर वह चौंके, क्योंकि पूरे परिवार के साथ उन्हें बैठे एक अरसा हो गया था। मगर शंभू ने जब दोबारा आवाज़ दी तो वह सहमते से आकर एक कोने में बैठ गई। शंभू ने उन्हें सबके बीच में लाकर बिठाया और बोला, बाबूजी आज की बात से सबसे ज़्यादा खुशी आपको और माँ जी को ही होगी। सब लोग आश्चर्य से शंभू का मुंह ताक रहे थे। इतने में उर्मिला जी चाय ले आईं। शंभू ने उनके हाथ से ट्रे लेकर उन्हें सुधांशु जी की बगल में बैठाया और खुद सबको चाय पेश की। संजय ने अधीरता से कहा, अब कह भी दो साले साहब, क्यों बेकार में इतनी सारी भूमिका बांध रहे हो? शंभू बोला, दामाद जी मैं आपकी बहन के लिए रिश्ता लाया हूँ, और वो भी उस परिवार से जो बिटिया के बारे में सब कुछ जानकर भी उसे अपनाने को तैयार हैं। ये सुनकर विजय बोल पड़ा, मगर भाई साहब वे इसकी मानसिक अवस्था के बारे में जानते हैं क्या? शंभू बोला, सब जानते हैं भाई, वे लोग देवता हैं। लड़का बाहर शहर में रहता है, खुले दिमाग का है। उसने सब सुनकर कहा कि क्या हुआ, लड़की थोड़ी मानसिक रूप से कमज़ोर है मगर सलीके से रहना जानती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सुधांशु जी ने पूछा, मगर वो लोग कौन हैं? तो शंभू बोला, अरे अपने रघु भैया, जो उधर पनघट के पास वाले बड़े पीपल के सामने रहते हैं। दरअसल मैं कुछ दिनों से चौपाल में बिटिया की शादी के लिए चर्चा चला रहा था, तभी रघुनाथ जी ने मुझसे उसके बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद वे कुछ दिन बाहर थे, वे ही आज चौपाल में मिले। उन्होंने बताया कि वे अपने लड़के की राय लेने शहर गए थे। उनके लड़के को शहरी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे जब उन्होंने अपनी बिटिया का जिक्र किया तो वो फौरन राजी हो गया। बस उन्होंने अगले दिन वापस आकर मुझसे इस बारे में चर्चा चलाई तो मैं बोला, मैं घर पर बात करके बताऊँगा। अब आप लोग बताओ, क्या उन्हें घर आने का निमंत्रण दिया जाए या नहीं? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दोनों बहुओं ने अपने पति को इशारा किया और बोली, हम अभी कमरे में चर्चा करके आते हैं। वे चली गईं। इधर उर्मिला जी ने सुधांशु जी से कहा, आप क्या कहते हैं? तो शंभू बोला, बाबूजी आप लोग निश्चिंत रहें, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत ही सज्जन लोग हैं, बिटिया सुख से रहेगी। सुधांशु बाबू का तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया था, वह कितने भी विमोड़ से बैठे रह गए थे। थोड़ी देर में दोनों बेटे और बहुएं आ गए।
सबने एक स्वर में स्वीकृति दे दी। दरअसल दोनों बहुओं में पहले ही इस पर चर्चा हो चुकी थी कि अपने पति को ये समझाना है कि इस शादी से घर में एक खाने वाला कम हो जाएगा, बस वे मान गए थे। उन सब की हामी सुनकर शंभू बोला, ठीक है मैं उन्हें खबर दे देता हूँ, आकर लड़की देख लें। फिर थोड़ा रुककर बोला, अब बस एक बात बतानी रह गई है, उनकी सिर्फ एक शर्त है, शादी में वह नगद कुछ रुपए चाहते हैं। उनका कहना भी ठीक है, आखिर लड़के की पढ़ाई लिखाई में रघुनाथ जी का सारा पैसा खर्च हो गया है। ये सुनकर सबका उत्साह ठंडा पड़ गया। संजय ने पूछा, कितने रुपए चाहते हैं वे लोग? शंभू गहरी सांस भरकर बोला, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50,000। ये सुनते ही सुधांशु जी बोल पड़े, फिर तो असंभव है, क्योंकि इतने रुपए मेरे पास तो नहीं हैं। संजय और विजय ने भी कहा, हम भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, रहने दीजिए। शंभू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो तुरंत बोला, अरे अरे आप लोग जल्दबाजी मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। सब उसका मुंह देखने लगे तो वो बोला, आप लोग इस मकान को बेच दीजिए। ये सुनकर सभी के मुंह से निकला, इस मकान को बेच देंगे तो हम सब रहेंगे कहाँ? शंभू हंस कर बोला, घबराइए मत, मकान भी बिकेगा और आप सब इसी मकान में रहेंगे। ये सुनकर सबके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। सुधांशु जी ने ही सबसे पहले चुप्पी तोड़ी, बोले, शंभू बेटे पहलिया मत बुझाओ, साफ साफ कहो तुम्हारा मतलब क्या है। शंभू ने एक नज़र चारों ओर घुमाई, उसकी आंखें अपनी बहन से मिली और दोनों में गुप्त इशारे भी हो गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया। शंभू ने कहा, बाबूजी आप बस देखते जाइए, मेरे प्रस्ताव को सुनकर आप सभी प्रसन्न हो जाएंगे। अब दोनों भाइयों ने पूछा, शंभू भाई अब बता भी तो दो। शंभू बोला, तो सुनिए मेरा प्रस्ताव ये है कि संजय जीजा इस मकान को बाबूजी से कागजों में खरीद लें, बस घर का पैसा घर में ही रहा और दहेज का इंतजाम भी हो गया। संजय चौंक कर बोला, मगर मैं इतने पैसे एक साथ कैसे लाऊंगा? शंभू बोला, भाई साहब आप कंपनी से लोन ले लो, आपकी अभी बहुत नौकरी बाकी है, आपको लोन मिलने में परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। संजय ने पत्नी को देखा तो उसने आंखों से इशारा कर स्वीकृति दे दी, क्योंकि उसकी तो अपने भाई से पहले ही बात हो चुकी थी। प्रस्ताव सुनकर सुधांशु जी तो की कृत्रिम विमूढ़ से हो गए, उनके समझ में ये गोरख धंधा नहीं आ रहा था। वे बोले, अरे भाई हम सब मिलकर एक बार एक साथ बैठकर चर्चा तो कर लें, फिर अभी तो अजय भी घर पर नहीं है। ये सुनते ही बड़ी बहू बोल पड़ी, बाबूजी अजय नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो कौन सा हमारा सगा है, ना जाने कहाँ से आप लोग उसे उठा लाए थे, सबके साथ रहकर पल गया, पढ़ाई कर चुका, अब तो उसे अलग कर दीजिए वरना कल को वो इस मकान में भी हिस्सेदारी मांगने खड़ा हो जाएगा। इसके जवाब में कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही बड़ी बहू ने फैसला सुना दिया कि ठीक है भैया हमें ये प्रस्ताव मंजूर है, ये अपने ऑफिस में आज ही बात कर लेंगे और शायद इस हफ्ते हम पैसों का इंतजाम भी कर लेंगे। आप तो रघुनाथ जी से बात पक्की कर लो, बाकी सब लोग भौचक्के से बैठे रह गए। बड़ी बहू अपने पति को साथ में लेकर कमरे में चली गई, शंभू भी निकल गया और इस बीच अजय कब अंदर आकर खड़ा हो गया था किसी ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया था। विजय भी अपनी पत्नी के साथ जा चुका था। अजय ने आगे बढ़कर सुधांशु जी से पूछा, बाबूजी बड़ी भाभी जो बोल गई वो सच है ना, मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ ना? फिर उर्मिला जी से बोला, माँ तुम बताओ मैं कौन हूँ, मेरा असली परिचय क्या है? उर्मिला जी ने उसे आगे बढ़कर गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, तू हमारा ही सगा बेटा है। वो अलग होकर बोला, बाबूजी अगर ये सच है तो मेरे सिर पर हाथ रखकर कहें कि मैं आपका बेटा हूँ। सुधांशु जी एकदम हटकर बोले, बेटे तू हमारा ही तो बेटा है। अजय बोला, आप झूठ बोल रहे हो, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो आप मेरे सर पर हाथ क्यों नहीं रखते? सुधांशु जी रो पड़े। अजय बोला, मैं समझ गया बाबूजी कि मैं कोई गंदगी का फल हूँ, मेरा कोई औपचारिक परिचय
आप लोगों को भी नहीं पता। सुधांशु जी फपक कर रो पड़े तो उर्मिला जी बोली, आप चुप क्यों हो? इसे इसका असली परिचय क्यों नहीं बता देते? सुनकर अजय चौंका, फिर सुधांशु जी को झंझोड़ते हुए बोला, बोलिए बाबूजी, बताइए मेरा असली परिचय क्या है? सुधांशु जी रोते हुए बोले, बेटे मैं आज तेरी कसम और जिद के आगे हार गया। आज मैं किसी को दिया वचन तोड़ने पर मजबूर हो गया हूँ। फिर आसमान की ओर ताक कर दोनों हाथ उठाकर बोले, दीदी मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कसम आज इतने सालों बाद तेरे बेटे के सामने तोड़ने पर मजबूर हो गया हूँ। उसके बाद उन्होंने अजय को बताया कि बेटा सुन, तू कोई पाप की औलाद नहीं है, तू मेरी मुंह बोली दीदी का इकलौता बेटा है। उसकी मौत तुझे जन्म देते वक्त हो गई थी। जाने से पहले उसने मुझसे वचन लिया था कि तुझे अपना बेटा मानकर ही बड़ा करूँगा, क्योंकि उसकी तेरे पिता से औपचारिक शादी नहीं हो पाई थी। उसके पहले ही तेरे पिता इस देश पर शहीद हो चुके थे। वे सेना में सिपाही थे और मेरी उस बहन के साथ उनकी अनौपचारिक शादी हमारी उपस्थिति में ही मंदिर में हुई थी। मेरी वो बहन और तेरे पिता दोनों ही अनाथ थे, इसलिए हमारे सामने उन्होंने मंदिर में शादी कर ली थी। फिर मुहूर्त देखकर उनकी शादी होती इससे पहले ही उन्हें मोर्चे पर जाना पड़ा, जहाँ से वह लौटकर ना आ सके। इधर तेरी माँ गर्भवती हो चुकी थी, मगर समाज के सामने उनकी औपचारिक शादी नहीं होने से उसने बदनामी के डर से ये शहर ही छोड़ दिया था। तेरे जन्म से पहले उसने हमें बुला लिया था और तेरे जन्म के 2 दिन बाद बेचारी चल बसी थी। बस यही सच है। पूरी बात सुनकर अजय भी फूट फूट कर रो पड़ा। थोड़ी देर में सब संभल गए और अपने अपने कमरे में चले गए। सच जानकर अजय विचलित हो उठा। उस रात ना तो उसने खाना खाया, ना ही सो पाया। आखिर सुबह मुंह अंधेरे वो अपने साथ सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और अपनी फाइल लेकर एक चिट्ठी लिखकर ये घर छोड़कर चला गया। यूं ही सड़कों पर भटकते हुए भोर हो गई। वो चलते चलते शहर से बाहर एक इलाके में बनी कोठियों के बीच आ गया था। लोग सुबह की सैर को निकल पड़े थे, मगर सड़क पर ज़्यादा चहल पहल नहीं हो पाई थी। वो अपनी धुन में चला जा रहा था, तभी उसने देखा कि सामने पार्क में रखी बेंच पर एक बुजुर्ग कुछ परेशान से बैठे थे और बेचैनी से सीने पर हाथ मल रहे थे और फड़फड़ा रहे थे। अजय को समझते देर न लगी कि शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने सबसे पहले उनके सीने पर हाथ मलकर उनके पास रखी बोतल से उन्हें पानी पिलाया। तब थोड़ा आराम मिलने से वे चैतन्य हुए। अजय ने उनसे कहा, आप परेशान ना हो, मैं अभी आपको अस्पताल ले चलता हूँ। उसने एक ऑटो रुकवाई और अस्पताल चलने को कहा। ऑटो वाले की मदद से उसने उन्हें ऑटो में बिठाया और वे अस्पताल पहुँचे। रास्ते में उसने ऑटो वाले को कहा, इस वक्त उसके पास पैसे नहीं है और वो इन बुज़ुर्गों को जानता भी नहीं है, इसलिए वो अभी उसका भाड़ा नहीं दे पाएगा। ऑटो वाला बोला, अरे बाबूजी, आप अकेले पुण्य क्यों कमाओगे, मुझे भी थोड़ा हिस्सा ले लेने दो। वे लोग अस्पताल पहुँचे और अजय और ऑटो ड्राइवर ने मिलकर उन बुज़ुर्गों को तुरंत कैजुअल्टी पहुँचाया। वहाँ उनकी प्रारंभिक जाँच के बाद उन्हें तुरंत ICU में पहुँचा दिया गया। उनका इलाज शुरू हो चुका था, मगर अजय वहीं रुका रहा और 1 घंटे बाद बुजुर्ग की हालत स्थिर हो गई तो डॉक्टर ने उनसे मिलने की इजाज़त दे दी। वो उनसे मिलने गया तो डॉक्टर बोले, लक्ष्मी प्रसाद जी, आज इस युवक की वजह से बहुत बड़ा संकट टल गया। इसने अगर समय पर आपको अस्पताल ना पहुँचाया होता तो अनहोनी हो सकती थी। लक्ष्मी प्रसाद जी ने उसे कृतज्ञता से देखा। तभी वहाँ उनके मैनेजर साहब आ गए। उन्होंने उनका हाल चाल पूछा। अजय एक तरफ खड़ा था। मैनेजर के आ जाने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चल पड़ा। वो मेन गेट तक पहुँचा ही था कि पीछे से मैनेजर ने उसे पुकारा, ओ भाई साहब, जरा रुकिए, सेठ जी आपको बुला रहे हैं। अजय रुका तो मैनेजर ने उसे कहा, चलो सेठ जी आपसे मिलना चाहते हैं। वो वापस उनके पास पहुँचा तो सेठ जी ने उससे पूछा कि क्या वो उनके स्वस्थ होने तक उनके साथ रह सकता है। अजय ने एक पल सोचा, फिर उसने तय किया कि वैसे भी उसके पास अभी तो सर छुपाने का कोई स्थान है नहीं, तो क्यों ना प्रस्ताव मान लिया जाए। उसने हामी भर दी।
सेठ जी ने उसका धन्यवाद किया और मैनेजर से बोले उसके लिए बंगले के आउट हाउस में व्यवस्था बना दे। मैनेजर चला गया, अजय वहीं रुक गया। सेठ जी एक हफ्ते तक अस्पताल में रहे। इस बीच अजय ने उनकी बहुत सेवा की। जिस दिन उनकी छुट्टी हुई तो मैनेजर उन्हें लेने आए। अजय भी सेठ जी के साथ बंगले में पहुंचा और उन्हें उनके कमरे में पहुंचाकर उनसे विदा मांगी। सेठ जी बोले, तुमने तो मेरे ठीक होने तक मेरे साथ रहने का वादा किया है और मैं सिर्फ अस्पताल से घर ही आया हूँ, अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर अभी नहीं जा सकते हो। अजय सोच में पड़ गया। उसे सोचते देखकर सेठ जी बोले, बेटा तुम क्या करते हो? वो बोला, जी बेरोजगार हूँ। उन्होंने पूछा, कौन कौन है तुम्हारे घर पर? वो बोला, मैं अनाथ हूँ और कोई ठिकाना भी नहीं है। ये सुनकर सेठ जी ने पूछा, कितना पढ़े हो? उसने सोचा, अगर इन्हें पता चल गया कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो शायद ये मुझे कोई नौकरी देने से इनकार कर दें। उसने कहा, जी मैं अनपढ़ हूँ, बस अक्षर ज्ञान है और हस्ताक्षर कर लेता हूँ। सेठ जी बोले, तो तुम मेरे घर के कैप्टन बन जाओ और मेरे साथ साथ इस घर की देखभाल का जिम्मा भी ले लो। अजय ने कहा, मगर सेठ जी मुझे तो घर का कोई भी काम नहीं आता। सेठ जी बोले, बेटा तुम्हें खुद कोई काम नहीं करना है बल्कि मेरे सारे नौकरों से ढंग से काम लेना है। आजकल वे सब बहुत आलसी हो गए हैं और एक काम बोलो तो एक घंटा लगाते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए उन पर ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकता, डर है कहीं छोड़ कर ना चले जाए। अजय बोला, जी ठीक है मैं कोशिश करूँगा। सेठ जी ने मैनेजर को कहा कि अजय का परिचय सभी नौकरों से करवा दें और उन्हें बता दें कि अब से अजय ही उन्हें काम का हुक्म देगा। मैनेजर ने सेठ जी की आज्ञा अनुसार अजय के रहने का इंतजाम आउट हाउस में करवा दिया था। सेठ जी को उनके कमरे में पहुंचाकर वो बाहर आया तो मैनेजर उसे लेकर हॉल में पहुंचे और उन्होंने सब नौकरों से अजय को मिलवाया। अजय ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। मैनेजर ने सबको बताया कि अब से अजय से पूछकर ही सब काम करें। उन्होंने सबसे बुजुर्ग नौकर रामू काका को कहा कि अजय को सब के बारे में बता दें। रामू काका ने अजय से कहा, आओ बेटा मैं आपको सब के काम के बारे में बता दूं। इधर सुधांशु जी के घर पर अगले दिन सुबह तहलका मच गया। जैसे ही अजय के घर छोड़ने की चिट्ठी मिली, उर्मिला जी ने रोना शुरू कर दिया। वह बार बार उस घड़ी को कोस रही थी जब अजय के कानों में बड़ी बहू की बात पड़ी थी कि वो इस घर का सगा बेटा नहीं है। उसकी खोज के प्रयास किए गए मगर कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर सब ने मान लिया कि अजय इस शहर से बाहर चला गया है। इधर शंभू ने अपनी चाल चल दी। संजय ने ऑफिस से लोन की व्यवस्था कर ली और मकान कागजों में बिक गया। सुधांशु जी को पैसे नाम मात्र को ही हाथ में मिले क्योंकि पैसे आने के एक हफ्ते में ही शंभू ने रघुनाथ से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर दी और इस प्रकार उस अबोध लड़की की शादी रघुनाथ के नालायक बेटे से हो गई। शंभू ने सुधांशु जी से 50,000 रुपये रघुनाथ को देने के लिए लिए और रघुनाथ को 25,000 देकर 25,000 अपने पास दबा लिया। फिर उसने रघुनाथ से सौदे के अनुसार 5,000 वापस मांग लिए। इस प्रकार उसने 30,000 रुपये कमा लिए। समय बीतता रहा, 5 वर्ष गुजर गए। रघुनाथ के घर पर सुधांशु जी की वो मानसिक अविकसित बेचारी अबोध लड़की ससुरालियों के जुल्म सहन न कर पाने से वापस मायके आ गई। सुधांशु जी इस बीच स्वर्ग सिधार गए। उर्मिला जी भी घुटनों के दर्द से बेहाल हो चुकी थी। शंभू ने घर पर अपना वर्चस्व जमा लिया था और माँ बेटी बहुत ही दयनीय अवस्था में जीवन जीने पर मजबूर हो गई थी। जबकि अजय ने धीरे धीरे सेठ जी का विश्वास जीत लिया था, तभी एक दिन अजय की नज़र अखबार में छपे एक नौकरी के विज्ञापन पर पड़ी। वो एक विदेशी कंपनी का विज्ञापन था जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो एक डूब रही कंपनी को संभाल सके। इसमें उम्र, अनुभव और अन्य किसी प्रकार का बंधन नहीं था। अजय को लगा कि वो इस काम को कर सकता है। उसने अप्लाई करने के लिए आवेदन बनाया और कंपनी के पते पर भेजने के लिए घर के नौकर मिलन को देकर कहा कि वो इसे डाक खाने में डाल आए। मिलन
उस लिफाफे को लेकर निकल ही रहा था कि बाहर लॉन में बैठे हुए सेठ जी ने आवाज लगाई। वो लिफाफा हाथ में लेकर ही उनके पास गया तो कुछ कहने से पहले ही उनकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ी। उन्होंने मिलन से पूछा कि इस लिफाफे में क्या है। वो बोला, अजय बाबू ने इसे ढाक घर में डालने को दिया है। सेठ जी को आश्चर्य हुआ कि अजय तो अनपढ़ है और इस लिफाफे पर अंग्रेजी में पता लिखा है। उन्होंने मिलन से लिफाफा ले लिया और पता देखकर वे चौंके। उन्होंने लिफाफा खोल डाला और अंदर के कागजात निकालकर देखने लगे। सेठ जी ने मिलन से लेकर लिफाफा खोलकर और उसमें अजय का व्यक्तिगत बायोडाटा देखा तो चौंक पड़े। उन्होंने मिलन से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अजय पूछे तो बता देना कि लिफाफा पोस्ट कर दिया है। सेठ जी ने लिफाफा अपने पास रख लिया। इधर सुधांशु जी के स्वर्गवास के बाद से उर्मिला जी और उनकी बेटी की उस घर में नौकरों से भी बदतर हालत हो गई थी। उर्मिला जी बेचारी घुटने के दर्द से कराहती रहती। दिन भर में एक बार बहुएं उन्हें कुछ सूखी रोटियां और बची खुची सब्जी डाल देती। इस प्रकार नारकी जीवन जीने पर दोनों माँ बेटी मजबूर थी। एक दिन उर्मिला जी की हालत दर्द से बहुत खराब थी। उधर उनकी बेचारी मानसिक अर्धविकसित बेटी से उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। घर पर सिर्फ शंभू था। बेटी ने उससे माँ की दवाई के लिए पैसे मांगे तो उसने उसे बुरी तरह झिड़क दिया और बोला, इतना ही माँ का ख्याल है तो जा सड़क पर भीख मांगकर उसका इलाज करवा ले। बेचारी कुछ समझी कुछ नहीं समझी और सड़क पर निकल पड़ी। रोते रोते उसने आते जाते लोगों से पैसे मांगने चाहे, मगर ज़्यादातर लोग उसे अनदेखी कर आगे बढ़ते जाते थे। उसके घर के पास ही एक चंदू बदमाश रहता था, जिसकी नज़र काफ़ी दिनों से इस बेचारी बेबस लड़की पर थी। उसने उसे सड़क पर भीख मांगते देखा और अपने मंसूबे पूरे करने की सोचने लगा। उसने चारों तरफ देखा और आसपास किसी को ना पाकर वो उसके पास पहुंचा और बोला, तुम्हें पैसे चाहिए ना तो आओ, मैं तुम्हें एक बड़े सेठ के जी के पास ले चलता हूँ। वो बहुत दयालु हैं, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बेचारी भोली लड़की उसके जाल में फंसकर उसके साथ चल पड़ी। उसे साथ लेकर शहर के बाहरी हिस्से में आया और एक नवनिर्मित कॉलोनी में घुस गया। वहाँ बहुत से अधबने मकान खाली और सुनसान पड़े थे। उसने उसे एक मकान में चलने को कहा और अंदर जाते ही अपनी नीचता पर उतर आया। लड़की पहले तो सकपका गई, मगर जब उसे समझ आया कि वो उसकी इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा है तो वो छूटने के लिए हाथ पैर मारने लगी और जब उसका बस नहीं चला तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। चंदू ने उसे जोरों से थप्पड़ मारा और नीचे गिरा दिया। वो उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था कि लड़की ने उसके हाथ में जोर से काट लिया। वो बिलबिला गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। लड़की उसके चंगुल से छूटकर भागी और बाहर आकर एक आदमी से टकरा गई। उस आदमी ने उसे संभाला, वो एक अधेड़ व्यक्ति था। उसने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटी घबराओ नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ है। लड़की रोने लगी, तभी वहाँ कुछ और लोग भी आ गए। सब ने खंडहर से चंदू को भागते देखा। कुछ लोग उसके पीछे भागे जरूर, मगर उसे पकड़ ना सके। वो दौड़कर मेन रोड पहुंच गया और एक चलती बस में चढ़ने के चक्कर में गिरकर चक्के के नीचे आ गया। उसकी वहीं मौत हो गई। लोग बोले, इसे ईश्वर ने ही दंड दे दिया। इधर लड़की जिस व्यक्ति से टकराई थी वो मिलन था, अजय के अधीन काम करने वाला। उसने देखा लड़की बहुत डरी हुई थी तो वो उसे समझा कर अपने घर ले आया। वहाँ उसकी पत्नी ने उसे संभाला और पानी पिलाया। फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटी तुम कहाँ से आ रही थी। तो वो सिर्फ इतना ही कह सकी कि माँ बीमार है, दवाई के पैसे दे दो। मिलन समझ गया कि लड़की ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएगी। उसने पत्नी से कहा, उसे खाना खिला दे, तब तक वो हवेली से होकर आता है, फिर देखेंगे इसे कहाँ पहुँचाना है। मिलन को वापस हवेली में आते देखकर अजय ने पूछा, क्या बात है, तुम्हें तो मैंने डाकघर जाने को कहा था, तुम वापस कैसे आ गए और लिफाफा कहाँ है। मिलन ने बताया कि लिफाफा तो सेठ जी ने रख लिया है, मगर वो एक मुसीबत में फंस गया है। उसने अधबने मकान में लड़की के मिलने की और उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश
और उसे बचाने तक की सारी बात अजय को बताई। फिर बोला, साहब अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस लड़की को कैसे घर पहुंचाऊं। अजय ने उससे लड़की का हुलिया पूछा और उससे सब हाल सुनकर उसे लगा कहीं ये उसकी बहन तो नहीं। उसने मिलन से कहा, चलो मुझे उस लड़की के पास ले चलो। मिलन उसे लेकर अपने घर आया और लड़की को लाने के लिए अपनी पत्नी को आवाज़ दी। मिलन की पत्नी साथ में उसे लेकर बाहर आ गई। उसे देखते ही अजय उछल पड़ा। उधर वो लड़की अजय को देखते ही लपक कर उसके पास आई और भैया कहकर उससे लिपट गई। अजय और लड़की दोनों गले लगाकर रोने लगे। मिलन और उसकी पत्नी उन दोनों को आश्चर्य से देख रहे थे। थोड़ी देर में अजय थोड़ा संयत हुआ और उसे अपने से अलग कर कहा, तू बैठ बहन, मैं अभी तेरी बात सुनता हूँ। उसने मिलन से कहा, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये मेरी सगी बहन है, तुमने इसकी इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर उसे लड़की ने जो बताया उससे उसे समझ आया कि माँ बहुत बीमार है और पैसे नहीं हैं। वो उसे अपने साथ ले आया। फिर सेठ जी से आज्ञा लेकर उस घर पर आकर माँ को अपने साथ ले आया। उधर माँ बेटी के घर से जाने की खबर सुनकर सभी बहुएँ बहुत प्रसन्न हो गईं। किसी को ये नहीं पता चला कि अजय कहाँ रहता है और क्या करता है। वह तो यही सोचकर खुश हो गई कि चलो अजय के बाद माँ बेटी से भी पिंड छूटा। अजय के लौटने पर सेठ जी ने उसे सब हाल सुनकर बोले, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी माँ को बुलवा लिया और बहन को ले आए, मगर आज तुम्हें अपने सारे झूठे कथनों का जवाब देना होगा। सबसे पहले ये बताओ कि तुमने अपने को अनाथ क्यों बताया। अजय ने सारा किस्सा बताया। अब सेठ जी बोले, चलो परिस्थितियों को देखकर इस मामले में हमने तुम्हें माफ़ किया। अब दूसरा बड़ा झूठ, और झूठ ही नहीं महापाप जो तुमने किया, उसके बारे में बताओ। तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने को अनपढ़ बताकर मुझे आज तक अंधेरे में क्यों रखा। अजय ने सच्चाई बताना शुरू किया तो सेठ जी सुनते जा रहे थे और सुनकर उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। उन्होंने अजय से कहा कि वो आउट हाउस से निकलकर बंगले के दाहिने हिस्से में बने 3 कमरे वाले भाग में अपनी माँ और बहन के साथ शिफ्ट हो जाए। उन्होंने मिलन से कहा, अजय के परिवार के लिए आवश्यक सारी सामग्री की व्यवस्था वो कर दे और रसोई में बता दे कि आज से 3 लोगों के लिए खाना अतिरिक्त बनेगा। इतना कहकर सेठ जी बोले, अजय तुम कल सुबह 11 बजे मुझे ऑफिस में मिलो, मुझे तुम्हारा हिसाब करना है और तुम्हें मुझसे झूठ बोलने का दंड भी देना है। अगले दिन अजय सुबह 11 बजने से पहले ही ऑफिस पहुंच गया और सेठ जी का इंतज़ार करने लगा। वो एक बेंच पर बैठा तो चपरासी ने आकर उसे उठा लिया। वो बोला, अभी ऑफिस खुला नहीं है, साफ सफाई होना है, आप बाहर बैठो। अजय चुपचाप बाहर निकल आया। वैसे भी वो सोच रहा था कि शायद आज सेठ जी मुझे निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें उसे कहा था ऑफिस आने पर वे उसे दंड देंगे। तभी सेठ जी की गाड़ी ऑफिस के पोर्च में रुकी। वे उतरे, उनकी नज़र दूर खड़े अजय पर पड़ी तो उन्होंने ड्राइवर से उसे बुलाकर उनके केबिन में ले आने को कहा और अंदर चले गए। ड्राइवर अजय को लेकर सेठ जी के केबिन में पहुंचा। वहां मैनेजर साहब पहले से विराजमान थे और एक बुजुर्ग बैठे थे। अजय ने सभी का अभिवादन किया और एक ओर सर झुकाकर खड़ा हो गया। सेठ जी ने मैनेजर साहब और उन बुजुर्ग को संबोधित कर पूरी बात बताई और बोले, मेरी नज़र में अजय ने अक्षम अपराध किया है, अब आप लोग बताएं मैं सही हूँ या गलत। दोनों समवेत स्वर में बोले, बिल्कुल सही है आप तो सेठ जी बोले। फिर इसे ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि ये जिंदगी भर याद रखे। दोनों सज्जन मौन बैठे रहे, जो उनकी स्वीकृति का संकेत था। सेठ जी थोड़ा विराम लेकर बोले, मैंने इसके लिए एक सजा सोची है, आप लोग भी सुने और निश्चिंत करें, मैं ठीक हूँ या नहीं। अजय अंदर ही अंदर दहल गया कि अब क्या सजा मिलने वाली है। सेठ जी बोले, मैं इसे कंपनी का जनरल मैनेजर बनाने की सजा सुनाता हूँ। सुनकर अजय उछल पड़ा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था।
सेठ जी उठे और उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, आशा करता हूँ तुम मेरे विश्वास की मर्यादा रखोगे। अजय ने झुककर उनके पैर छुए। सेठ जी ने मैनेजर साहब से कहा, आप इन्हें ले जाइए और सबसे परिचय करवा दें। मैनेजर साहब ने उसे साथ लिया और हाल में आए। उन्होंने सबसे परिचय करवाया तो वो चपरासी घबरा कर उसके पैरों पर गिर कर माफ़ी मांगने लगा। अजय ने उसे उठाया और कहा, तुम मेरे लिए काम करोगे। सारे स्टाफ से परिचय हो गया, सिर्फ अकाउंट सेक्शन अलग था और वहाँ उसे लेकर दूसरे बुजुर्ग सज्जन आए। वे चीफ अकाउंटेंट थे। उन्होंने इस सेक्शन के स्टाफ से परिचय करवाया। यहाँ अजय ने संजय और विजय को भी देखा। संजय अकाउंट्स में और विजय स्टोर में पदस्थ थे। उन दोनों ने उससे रिश्तेदारी दिखाना चाहा, मगर अजय उनको अनदेखे कर आगे बढ़ गया। मैनेजर साहब उसे उसके केबिन में छोड़ गए। कुछ दिन बीते, अजय ने सब काम समझ लिया और बड़ी मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दिया। शाम को ऑफिस छूटते वक्त एक वर्दीधारी शोफर उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, चलिए सर आपकी गाड़ी वो रही। अजय गाड़ी में बैठ रहा था कि उसकी नज़र अपने भाइयों पर पड़ी। वो लपक कर उनके पास पहुंचा और बोला, भाई आप लोग बुरा मत मानना, मैं ड्यूटी टाइम में रिश्तेदारी नहीं निभा सकता, मगर ड्यूटी के बाद आप मेरे बड़े भाई ही हो। दोनों प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आखिर तुम तो हमारे भाई ही हो। वो वहीं गले मिले। सबने देखा और समझ गए कि ये आपस में रिश्तेदार हैं। अजय के इस प्रकार उनसे मिलने से दोनों भाई खुश हो गए कि अजय ने पिछली बातें भुला दी हैं। उन्होंने और उनकी पत्नियों ने मिलकर तय किया कि वे माँ जी और बहन से भी माफ़ी मांग लेंगे। आखिर अजय उनका बॉस था, उससे बनाकर रखने में उनकी भलाई थी। बस अगले इतवार को सभी मिलकर अजय के घर आ गए और माँ तथा बहन के पैरों में गिरकर सबने माफ़ी मांगी। बहुओं ने खूब मगरमच्छी आंसू बहाए। माँ का दिल पिघल गया, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। वे धूर्त लोग मन ही मन खुशी मनाते लौट आए। इधर शंभु दयाल तो बहुत आराम से घून की तरह इस परिवार को नष्ट करने में लगा था। उसने तरकीब लगाकर अपनी बहन को मूर्ख बनाते हुए उससे मकान के कागजात जमा कराकर बैंक से मोटी रकम लोन के तौर पर दिलवा दी। उसने समझा दिया कि वो ये रकम अपने एक दोस्त के साथ साझेदारी में व्यापार में लगवा देगा, जिससे कुछ ही समय में रकम दुगनी हो जाएगी और तब वो बैंक का कर्ज चुका देंगे। उसने शुरू में 3 महीनों तक बहन के हाथ में एक निश्चित रकम लाकर दी और कहा कि जल्दी ही इसमें दुगनी रकम आने लगेगी। मूर्ख बहन शंभू की चाल में फंस गई। इधर शंभू बड़ी चालाकी से एक दिन बहन को पैसा देता और अगले दिन बैंक में किस्त जमा कराने के नाम पर वापस ले लेता। उधर बैंक में जब किस्त जमा नहीं हुई तो एक दिन बैंक से परवाना आ गया, जिसे देखकर शंभू ने चालाकी से बहन को समझा दिया कि शायद एंट्री नहीं हुई है, वो जाकर सुधरवा देगा। और उस रात ही वह उस घर से भाग गया। इधर बैंक का दबाव बढ़ने लगा तो दोनों भाइयों को मकान नीलामी की आशंका ने घेर लिया। बैंक ने 1 महीने का समय दिया तो दोनों भाइयों ने कुछ सलाह की और उस महीने किस्त जमा हो गई। अब इसी प्रकार समय पर बैंक में किस्त जमा होती रही। अजय नियमित रूप से कंपनी के अकाउंट्स चेक करता था, सब ठीक चल रहा था। उसने ध्यान दिया कि आजकल संजय हर महीने कुछ विशेष तारीखों पर ऑफिस में देर तक रुकता है। उसने सोचा शायद कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता होगा। इधर वो रात को कभी भी सरप्राइज चेकिंग में गोदाम की ओर निकल जाता था। एक दिन उसे रात की चेकिंग में पहुंचने पर एक ट्रक गोदाम में लोड होता दिखा। उसने तुरंत पहुंचकर चौकीदार से पूछा कि ये किसका ट्रक है। उसने बताया कि पिछले कुछ महीने से हर महीने इन तारीखों को एक एक ट्रक माल रात में जाता है। उस ट्रक को रात में लोड करने और जाने देने के लिए उसके भाई विजय का आदेश है। अजय ने ट्रक जाने दिया और उसका पीछा कर जान लिया कि ट्रक कहाँ गया है। अगले दिन ऑफिस में संजय देर तक रुका, अजय उस पर नज़र रखे था। ठीक 7 बजे एक व्यक्ति संजय के पास मिलने आया, उसने उसे एक लिफाफा दिया। संजय ने उसे जेब में रख लिया। बस तभी अजय पुलिस के साथ उसके पास पहुंचा
और इंस्पेक्टर से बोला, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए और लिफाफा जब्त कर ले। उसके बाद अजय पुलिस को लेकर उस जगह गया जहां रात ट्रक गया था। वहां से पुलिस ने ट्रक जब्त किया। फिर वे सदल बल सुधांशु बाबू के घर पहुंचे और अजय ने बाहर से ही विजय को आवाज़ दी। विजय बाहर निकला और अजय के साथ पुलिस देखकर वो चौंका और उसने भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे दबोच लिया। वे वहां से चले गए। अगले दिन पुलिस ने मामला अदालत में पेश कर दिया, जहां दो सुनवाई में ही फैसला हो गया। संजय और विजय दोनों को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। अजय ने उनकी या उनकी पत्नियों की किसी की गुहार नहीं सुनी और उसने सच्चाई का साथ दिया। संजय और विजय को सज़ा मिलते ही संजय की पत्नी ने उसी रात आत्महत्या कर ली और विजय की पत्नी उससे पहले शाम को ही मायके चली गई। अजय ने सारी बात माँ को समझाई तो उन्होंने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। अजय ने रघुनाथ से मिलकर उसे समझाया और उसके बेटे को अपने यहाँ नौकरी दिलवा दी तो वे लोग उसका एहसान मानने लगे और रघुनाथ सा सम्मान अपनी बहू को लिवा गया। अजय ने बैंक से बात करके लोन अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया और समय पर किस्त चुकाकर बाबूजी की अमानत वापस ले ली। उसने शंभू दयाल को ढूंढकर उससे सारे पैसे वापस प्राप्त किए। इस प्रकार उर्मिला देवी को भी अपने पराए की पहचान हो गई, वह सुख से रहने लगी। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।